जी हाँ, आप सभी को लेकर आ गए हैं एक नया खबर। अक्षरा सिंह जी के घर में किस तरह से मन रहा है छठ, उसका वीडियो आप देख रहे हैं। जी आपको बता दें कि आप देख रहे हैं ट्विनी भोजपुरी या फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर देना और कमेंट में कुछ कमेंट कर देना। आप सभी को बता दें कि अक्षरा सिंह जी के घर पर छठ के पहले ही छठ मन रही है। जी हाँ, छठ की धूमधाम से तैयारी हो रही है और ये तैयारी अक्षरा सिंह जी के छत पर हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छठ माँ का सेट लगा हुआ है जहाँ पे अक्षरा जी छठ करने वाली है। इस बार उनके माता पिता छठ करने वाले हैं इस बार। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है अक्षरा सिंह जी ने खुद साझा किया है। और आप भी जानते हैं कि अक्षरा जी हर चीज की जानकारी अपने फैंस को देती है, क्योंकि इस मामले में अक्षरा जी सबसे नंबर वन है। आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं अक्षरा सिंह जी की मेकअप उनकी मम्मी जी कर रही है, और ये बहुत ऐसा दृश्य देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि अक्षरा सिंह जी के साथ हमेशा ही उनकी मेकअप आर्टिस्ट रहती है। लेकिन आप देख लीजिए दोस्तों, आपको बता दूं कि एक ऐसा छठ के गाना शूटिंग हुआ है जिसमें अक्षरा सिंह जी हैं, उनकी माता जी है और उनके पिताजी हैं। और अक्षरा जी ने ये लिखा है कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस सब मामले में, क्योंकि छठ पूजा में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। और मम्मी के हिसाब से छठ पूजा महा छठ पर्व है और इसमें कोई भी गलती होगी तो एक गलत संदेश पहुंचेगा, इसीलिए मम्मी जी मेरी मेकअप करती हुई नजर आ रही है और उनका यही मानना है कोई भी गलती ना हो। तो देख सकते हैं अक्षरा जी अपने काम के प्रति कितना संवेदनशील है और कितनी अच्छे से काम करती है, इसीलिए शायद वो इतनी बड़ी सुपरस्टार है और आप लोग इसे इतना प्यार देते हैं। आप सभी को बता दूं कि अक्षरा सिंह जी का एक से बढ़कर एक छठ गीत आया है और व्यूज भी ठीक ठाक ही मिले हैं। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जिन्होंने भी गाना नहीं सुना है जाकर सुन ले, क्योंकि अक्षरा जी का छठ गीत हमेशा ही एकदम गजब होता है। और अगले साल भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 96 मिलियन का व्यूज पाया था। उम्मीद करते हैं खबर अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। जय हिंद, वंदे मातरम।